एक गांव में महात्मा जी आए हुए थे और सत्संग कर रहे थे, तो सत्संग में ये बात उठी कि भाई देखो मरने से पहले प्राश्चित कर लेना चाहिए समस्त पापों का। अब तो सब लोग बोले महाराज हमने तो बाकी भैंस चुराई, अरे राम 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 प्राश्चित करो। बोले क्या प्राश्चित करें? बोले एक काम करो गंगा जी नहाओ और उसकी भैंस उसको लौटा दो। हाँ ये ठीक है, गंगा जी नहाया। दूसरा आदमी कुछ महाराज हमसे भी एक अपराध हो गया। क्या अपराध हो? बोले ऐसा अपराध हुआ। बोले ठीक है एक दिन मौन रखो। क्या अपराध हो? बोले हमने उसको गालियां दी थी। अरे राम राम ऐसे नहीं देते, चलो मौन रहो और मौन रह के मन ही मन में भगवान के नाम का भजन करो, प्राश्चित हो जाएगा। तो ऐसे बहुत नाना प्रकार के लोग आ रहे थे। कोई कह रहा था हमने उसको अपने पिता का अपमान कर दिया हमने, तो उनको सब प्रकार के प्राश्चित बताए। एक आदमी आया बोले महाराज मुझे भी प्राश्चित चाहिए। बोले कैसे? बोले अकेले में बताऊंगा सबके सामने नहीं, अकेले में पूछूंगा। बोले अच्छा चल। तो अकेले में मिले महात्मा जी। कई लोग होते हैं कि पर्सनली बात करते हैं, आज का जमाना नहीं है किसी से पर्सनल बात करने का, क्योंकि पर्सनल बात करके क्या करेगा पता नहीं ना आजकल, व्यक्ति बड़े माइंडेड हो गए। तो बोला मुझे पर्सनल बात करनी है। बोले हाँ बोलो करो। बोले महाराज एक बात बताऊँ, मैंने बहुत हत्याएँ करी हैं, इन हत्याओं से निजात कैसे मिले, इनका प्राश्चित क्या है? महात्मा जी बोले कितनी करी हैं? बोले पूछो ही मत महाराज बहुत करी हैं। अरे बोले बताओ तो सही। बोले महाराज मत पूछो। बोले 25-30 करी हैं? बोले नहीं नहीं थोड़े ज्यादा, 25-30 से भी ज्यादा, 30-35 तो नहीं कर दी? बोले महाराज नेक और ज्यादा, इतने भी से भी ज्यादा। तो क्या तूने? बोले महाराज 70 करी हैं, क्यों बार बार पूछ रहे हो? 70 हत्याएं करी हैं मैंने। कितनी? 70। महात्मा जी बोले क्या प्राश्चित बताऊं भाई तुझे, 70? बोले हाँ महाराज। अच्छा अब? बोले महाराज अब तो आप बताओ प्राश्चित। महात्मा जी बोले एक दो होती तो सोचता भी, पर अब क्या। बोले ठीक है एक काम कर, जितने भी पृथ्वी पे तीर्थ हैं सभी तीर्थों में तू स्नान करने जा और दर्शन करने जा। जहां नदी हो वहां स्नान करना और जहां मंदिर हो वहां दर्शन करना। और एक काम कर, क्या एक काला झंडा अपने संग ले जा, हर एक तीर्थ में जाना, और जहां तेरा ये काला झंडा व्हाइट हो जाए ऐसे से ऐसा हो जाए, समझना तेरे पाप गए खत्म। बोलो ठीक है महाराज। अब वो सोच रहा था महाराज ने कहा मरने से पहले प्राश्चित कर लो, अब पता नहीं कब मर जाए, तो अभी हाथ पांव चल रहे हैं तो अभी चलो। वो चल पड़े, एक झंडा लिया उसके नीचे डंडा लगाया और एक फरसा ले लिया हाथ में। फरसा इसलिए ले लिया कि भाई जंगल में होके पहले लोग पैदल ही चलते थे ना, न जाने क्या हो, तो इसलिए लेके चल पड़े। अब साहब उन्होंने बहुत तीर्थ किए, हरिद्वार हो गया, बद्रीनाथ हो गया, केदारनाथ हो गया, वृंदावन भी हो गया, प्रयाग भी हो गया, काशी भी हो गया, पर झंडा काला से वाइट नहीं हुआ, झंडा अभी भी काला ही। इधर महाराज द्वारकाधीश और जगन्नाथ और उसके बाद रामेश्वरम सब जगह झंडा भी ब्लैक। महाराज सोचे वो व्यक्ति, अरे ये तो इतने तीर्थ कर लिए अभी तो कोई तीर्थ बचा ही नहीं और इसके बाद भी झंडा काला के काला ही है, अरे अब करें क्या, 70 हत्याएं की हैं, 2-4 होती तो शायद भगवान क्षमा भी कर देते। तो लौट के आ रहे थे रामेश्वरम से, एक जंगल पड़ा और उस जंगल में होके जब वो निकल रहे थे तो एक स्त्री के चीखने की आवाज आई, बचाओ बचाओ की आवाज आई। और जब बचाओ बचाओ की आवाज आई, स्त्री के चीखने की आवाज आई, तो वो दौड़ा, कौन है क्या है, उधर दौड़ कर पहुंचे। वहां देखा कि एक
स्त्री है, उसके साथ एक पुरुष है, उसको पेड़ से बांध रखा है, और स्त्री से वहां 5-7 लोग, 10 लोग थे कम से कम, वो 10 के 10 लोग उसको जेवर वेवर पहने थे, गहने वगैरह, उनको छीन रहे थे। उसको लगा ये क्या कर रहे हैं, किसी स्त्री पर ऐसे जोर जबरदस्ती ये लोग कर रहे हैं, गहने छीन रहे हैं। देखो पहले चोरों के भी उसूल हुआ करते थे, लूट तो लेते थे पर इज्जत पे हाथ नहीं डालते थे। पहले लोग चोर भी अच्छे होते थे, आज के शरीफ लोग भी अच्छे नहीं होते हैं। पहले चोर भी अच्छे थे, उसूलवान, एकदम नियम फॉलो करते थे। तो सोचा कि क्या करें, अरे भाई छोड़ दो भाई, ऐसे नहीं करते हैं, छोड़ दो। 10 बोले जा रहा है कभी मरेगा, डर नहीं लग रहा तुझे? वो भी सोचता हुआ अब मैं क्या करूं, फरसा उठाऊं, पर ये 10 हैं, नहीं बना बात नहीं बनी तो, पर ये बात ये भी हो सकती है। दूसरी एक और है, 70 के मारे तो अभी तक राउंड काटता फिर रहा हूं, ये झंडा काला, और ये 10 अगर प्रयास कर भी लूं तो हो जाएंगे 80, ये मुश्किल हो जाएगा। तो वो चल दिया डर के, वो नहीं नहीं नहीं, हम अब भैया तुम्हारे कर्मी तुम्हारे संग, ये सोच के वो चल दिया। जब सोच के जाने लगा तो उसने आवाज लगाई, भैया, अरे ओ भैया, एक स्त्री को ऐसे दुख की स्थिति में छोड़ के मत जाओ। एक बार बोला, भैया सगा भाई नहीं था, उस स्त्री ने कहा, भैया अपनी बहन को ऐसी बुरी स्थिति में छोड़ के मत जाओ। फिर लौट के आया, दया आ गई, अरे एक स्त्री मुझे बहन कह रही है। उसने कहा, भाई मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, ऐसा मत करो, छोड़ दो इसे, गहने बहने ले लो, कोई बात नहीं इन दोनों। अरे नहीं छोड़ेंगे, तुम जानते क्या हो, जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो? तो उसे आ गया गुस्सा, बोले अब 70 तो मैंने कर ही दिए, और झंडा काला का काला ही है, सफेद हुआ नहीं है, फिर अब जहां 70 की सजा मिलेगी वहां 80 की मिलेगी। उठाया फरसा और सबको चकाचक कर दिया, खत्म, 10 के 10 लुटा दिए। ताकतवर था, हष्ट पुष्ट था, लुटा दिए 10 के 10। कहा, बहन ये कौन है? बोले मेरा भाई है, इसको बांध दिया था। कोई बात नहीं, जाओ अपने भाई के साथ। सोचता हुआ मन में आ रहा था, कोई बात नहीं, जहां 70 का दुख भोगेंगे वहां 80 का भी भोग लें। अब क्या 10 वही, वैसे भी हमारे भारत के संविधान में जहां एक मर्डर की सजा जितनी है उतनी 10 की भी है, भगवान के यहां भी वही रूल होगा। सोच के चला आ रहा था, अचानक से हवा चली बहुत तेज, झंडा उड़ा, उसने देखा ऊपर की तरफ, झंडे की तरफ, वो झंडा ब्लैक नहीं था, व्हाइट हो चुका था। झंडा ब्लैक नहीं रहा, झंडा व्हाइट हो गया। ये कैसे हो गया भाई, व्हाइट हो गए, ये झंडा ब्लैक से व्हाइट, गंगा गए व्हाइट नहीं हुआ, जमुना नहाए व्हाइट नहीं हुआ, संगम नहाए व्हाइट नहीं हुआ, रामेश्वरम गए व्हाइट नहीं हुआ, बद्री विशाल गए व्हाइट नहीं हुआ, हरिद्वार गए व्हाइट नहीं हुआ, सब जगह हुआ है व्हाइट नहीं हुआ, 10 और मार दिए व्हाइट हो गया। ये कैसा न्याय भगवान का? अब जरा सोचो, अर्जुन के रथ की पताका व्हाइट थी कि नहीं थी? हमें नहीं पता, मैं उसका कलर नहीं बता रहा हूं, लेकिन उस अर्जुन के रथ की पताका, उस अर्जुन के रथ को चलाने वाला कौन, ऑर्डर क्या दे रहे, मार, दुष्ट को मारने से पाप नहीं लगता, जो धर्म की हत्या कर रहा हो ऐसे दुष्ट को मारने में, जो तुम्हारे शरीर को नुकसान पहुंचा रहा हो, तुम्हें मारना चाहता है ऐसे दुष्ट को मारने में, और किसी स्त्री पर हाथ उठा रहा, स्त्री को दुख दे रहा, महात्मा के पास आया, महात्मा जी ने पूछा, भैया अब तेरा झंडा तो सफेद हो गया,
बोले हाँ झंडा तो सफेद हो गया। तो महात्मा जी ने पूछा, बता ये प्राश्चित बड़े गजब का है, हत्या करने वाले को भी प्राश्चित हो जाता है उसका, कौन से तीर्थ में हुआ बता, पर्टिकुलर उसी तीर्थ में भेजा करूंगा लोगों को हत्या करने वाले के प्राश्चित के लिए। बोले महाराज हत्या करने वाले प्राश्चित के लिए? बोले हाँ तो बोले हत्या ही करवाना उसका, प्राश्चित हत्या ही है। क्या कहते हो? बोले एक स्त्री मिल गई थी, वो उसकी सहायता की तो उसका ये गोविंदा नमो नमः हो गया। 10 मारे महाराज, लेके 70 गया था, लौट के 80 आया, संख्या 80 की हो गई है। मैं यहां किसी को मारने के लिए प्रेरणा नहीं दे रहा हूं, लेकिन धर्म की गति क्या है? किसी भूखे को भोजन देकर उसके जीवन बचा लो वहां, वो धर्म है। लेकिन कोई किसी बच्चे को मार रहा हो, स्त्री को मार रहा हो, अगर ऐसी स्थिति में उसका वध भी करना पड़े तो वहां वही धर्म है।